हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज़। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एनवायरमेंट के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में बताया था, फुल डिस्कशन किया था हमने एनवायरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट के बारे में। अगर आपको मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट है क्या। तो अगर आपको एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके, और अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकन का सिंबल आएगा उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे लाल रंग का जो बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए और उसी के साइड में घंटे का निशान आएगा, फिर उसे भी प्रेस कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब द साइंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़। जो एनवायरनमेंट की स्टडीज़ है वो ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ में हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था एनवायरनमेंट लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एनर्जी, सन रेज, मून रेज और हर एक चीज़ से मिलके, पृथ्वी की अपनी एनर्जी, सब चीज़ से मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। तो एक चीज़ पे तो वो ख़त्म हो नहीं जाएगा। तो द साइंस ऑफ द एनवायरनमेंट स्टडीज़ है मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस बिकॉज इट डिपेंड ऑन वेरियस डिसिप्लिनस। लाइक हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस से मिलके बना हुआ है और वो वेरियस डिसिप्लिनस के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और अदर। ये तो हमारे क्या हो गए, साइंटिफिक मेथड हो गए। ठीक है, और ये हमारा एनवायरनमेंट डिपेंड होता है, नॉन साइंटिफिक मेथड्स पे भी हमारा एनवायरनमेंट डिपेंड होता है। कुछ परसेंट एनवायरनमेंट का किस पे डिपेंड होता है, नॉन साइंटिफिक मेथड्स पे। ओके फ्रेंड्स, this is not only depend scientific studies, otherwise it is also depend upon the non scientific studies. okay friends, तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ scientific studies पे base नहीं है बल्कि ये non scientific studies पे भी base है। okay, जैसे कि law हो गया हमारा, social science हो गया, economics हो गया, इनके ऊपर भी हमारा environmental disciplines based है। सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट का क्या काम है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स के ऊपर एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, या फिर ये बोल लो फिजिक्स एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे काम करता है। टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ द मटेरियल, हमें पता है फिजिक्स के लॉ होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी को डिफाइन करते हैं, या फिर जो मॉडल है वो हमने कोई साइंस का, फिजिक्स का कोई मॉडल का इन्वेंशन किया तो वो किसके अंदर आता है, हमारा फिजिक्स के अंदर आता है। वो मॉडल कैसे काम कर रहा है एनवायरनमेंट को, उस मॉडल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ द मटीरियल, मटीरियल की एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या, कौन सी लॉ काम करती है, फिजिक्स की लॉ काम करती है। ओके, टू कॉन्स्ट्रक्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द मॉडल, और जो हमने मॉडल्स का इन्वेंशन किया है अपनी फिजिक्स के अंदर, जो हमारे मॉडल का इन्वेंशन हुआ है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर उस मॉडल के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री, टू अंडरस्टैंड द मोलिकुलर इंट्रैक्शन इन द सिस्टम। जो मोलिकुलर वेट होता है हमारे मोलिक्यूल्स का, मोलिकुलर वेट होता है कंपाउंड्स का, एटम का, वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारा केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या मोलिकुलर वेट है किसी भी कंपाउंड का, वो किससे हमें अंडरस्टैंड होता है, किससे हम समझ सकते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से समझेंगे हम क्या, कि हमारा जो मोलिक्यूल है या फिर कोई कंपाउंड है उसका मोलिकुलर वेट क्या है, उसका मोलिकुलर सिस्टम क्या है, वो किसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे हम, केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट विद इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम। इसमें बायोलॉजी के अंदर तो क्या आएगा, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर एनवायरनमेंट का, या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इट विल हेल्प इन द एनवायरमेंटल मॉडलिंग एंड एनालाइज ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड डाटा। हमें पता है
कंप्यूटर साइंस है तो वो क्या करेगा, एनवायरमेंटल मॉडलिंग को डिफाइन करेगा, और एनालिसिस कौन करेगा, मैथमेटिक्स। हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए तो हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए जो मॉडलिंग का काम करेगा वो कंप्यूटर साइंस करेगा, और जो मैथमेटिक्स है वो क्या करेगा, एनवायरमेंट के जो एनवायरमेंट रिलेटेड कंपाउंड्स है उनका एनालिसिस करेगा। कौन, मैथमेटिक्स में आएगा उसका एनालिसिस, और मॉडलिंग आएगी किसमें, कंप्यूटर साइंस से। हम उसकी मॉडलिंग करेंगे एनवायरमेंट के कंपाउंड्स की, और मैथमेटिक्स से हम एनालिसिस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इट हेल्प इन फ्रेमिंग ऑफ एनवायरमेंट। फ्रेमिंग क्या बोलते हैं हम, ढांचा। ये क्या लॉ जो है वो किस में हेल्प करता है, फ्रेमिंग करने में एनवायरमेंट की, रिलेटेड लॉ, एक्ट एंड रूल्स। मतलब जब एक्ट और रूल्स बनेंगे हमारे एनवायरमेंट में, जबी तो कोई चीज़ काम कर पाएगी। अब जिस चीज़ में हमारे रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं होंगे तो वो क्या हमारा प्रॉपर वर्क कर पाएगी, नहीं। तो एनवायरमेंट का जो फ्रेमिंग है, जो ढांचा है, वो क्या है हमारा, लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉन साइंटिफिक में आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ। अगर हमारा ढांचा ही नहीं बनेगा तो अंदर के कंपोनेंट्स कैसे काम करेंगे, वो तो इधर उधर फैल जाएंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन डीलिंग विद पॉपुलेशन। ये हेल्प करता है किसमें, एनवायरनमेंट में, ये जानने के लिए कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के साथ डील करने के लिए, और हेल्थ रिलेटेड इशू, और हेल्थ रिलेटेड इशू को कंडक्ट करने के लिए कौन सा काम करता है हमारा, सोशल साइंस। सोशल साइंस एनवायरनमेंट में कैसे काम करता है, पॉपुलेशन को डील करने के लिए और हेल्थ रिलेटेड इशूज़ को कंडक्ट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम करता है हमारा, सोशल साइंस। इकोलॉजी, इसमें हमें क्या पता चलेगा कि पॉपुलेशन के ऊपर, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम किस में स्टडी करेंगे, इकोलॉजी में। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक साइंस। एटमॉस्फेरिक साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट अपॉन द ग्रीन हाउस, नॉइस पोल्यूशन एंड इवन लाइट पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक साइंस में हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्रीन हाउस के ऊपर और नॉइस पोल्यूशन के ऊपर, एवन लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, नॉइस पोल्यूशन का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम किस में स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेरिक साइंस में। ओके फ्रेंड्स, तो आपने सबने पढ़ लिया कि मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होते हैं। मतलब हमारा एनवायरमेंट जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिन से मिलके बना है। अगर डिसिप्लिन्स नहीं होंगे तो हमारा एनवायरमेंट काम नहीं करेगा। अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो तब भी हमारा एनवायरमेंट काम नहीं करेगा। फिजिक्स की लॉ नहीं होंगी तब भी काम नहीं करेगा। केमिस्ट्री में मोलिकुलर वेट नहीं होगा तब भी काम नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों से मिलके हमारा क्या बनता है, मल्टीडिसिप्लिनरी। मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है मल्टी, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स इसमें इन्वॉल्व है, उससे मिलके हमारा क्या बनता है, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहा हो और आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब के बाद उसके साइड में एक बेल आइकन का जो बटन आएगा उसे दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं दबाएंगे तो आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।